अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं मोहम्मद वसीम राणा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको क्रॉस चेक मिलता है तो आपने उसको अपने अकाउंट में किस तरह से जमा करवाना होता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक में आपने क्या चीज़ें लेके जानी होती हैं कि आपके अकाउंट में पैसे उस क्रॉस चेक के क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह की डिपॉजिट स्लिप होती है, मैं आपको पूरा तरीकाकार समझाऊंगा इस वीडियो में पे कि किस तरह से आपने जो है इस डिपॉजिट स्लिप को फिल करना होता है। तमाम बैंक्स में सेम प्रोसेस होता है क्रॉस चेक को जमा करवाने का। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप चले जाएं, क्लियरिंग के थ्रू आपने क्रॉस चेक अपने अकाउंट में या ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए आपने डिपॉजिट स्लिप फिल करनी होती है, चेक साथ लगाना होता है। इस वीडियो में मैं इस डिपॉजिट स्लिप को आपको फिल करना बताऊँगा, क्रॉस चेक की पहचान बताऊँगा कि होता क्या है, तो इसकी पेमेंट आपके अकाउंट में कब और कैसे क्रेडिट होनी होती है, ओवरऑल प्रोसेस में इस वीडियो में बताता हूँ। चले हम आप वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं, डिपॉजिट स्लिप को ले लेते हैं कि कैसे हमने इसको फिल करना है। जी, क्रॉस चेक आपने ले लिया। दोस्तों, क्रॉस चेक की डिपॉजिट स्लिप फिल करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि क्रॉस चेक होता क्या है और इसका मकसद क्या होता है। क्रॉस चेक होता है कोई भी चेक जिसके यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन लगी हो इस तरह की, या कोई स्टैंप इस तरह की लगी हो जिसमें पेज अकाउंट ओनली लिखा हो या पेज अकाउंट एंड कंपनी लिखा हो, वो क्रॉस चेक होता है और उसको आपने अपने अकाउंट में क्लियर करवाना होता है। उसकी आप कैश पेमेंट हरगिज़ नहीं ले सकते। जी दोस्तों, यही है क्रॉस चेक कि आपने इसको काउंटर पे जाके कैश क्लियर नहीं करवा सकते, आपने इसको अपने अकाउंट में जमा करवाना होता है। अगर आपका चेक ट्रांसफ़र का है तो विद इन डे ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर आपका चेक किसी दूसरे बैंक का है तो क्लियरिंग में जाएगा, उसमें एक या दो वर्किंग डे लग सकते हैं क्लियरिंग के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। तो अभी हम इसको जो जमा करवाने का तरीकाकार वो डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम बैंक्स में चेक अगर आपने क्रॉस आपको मिला है तो उसको जमा करवाने का सेम प्रोसेस है। मेरे पास नेशनल बैंक का केस है, सेम केस आपके पास HBL का हो सकता है, सेम केस आपके पास UBL का हो सकता है, इसी तरह से मिजान बैंक का, तमाम जितने भी 34+ बैंक्स पाकिस्तान में हैं उनमें सेम प्रोसेस है क्रॉस चेक को जमा करवाने का। क्रॉस चेक आपको मिल गया, इसके बाद आपने करना क्या होता है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपने तशरीफ़ ले जानी है और उस बैंक से आपने डिपॉजिट स्लिप, यानी कि जिस पे पैसे जमा करवाते हैं या चेक जमा करवाते हैं, वो स्लिप आपने ले लेनी है। तमाम बैंक्स की जो डिपॉजिट स्लिप्स हैं वो मिलती जुलती हैं, उसमें थोड़ा बहुत कोई प्रिंटिंग का फ़र्क हो सकता है, चीज़ें सब तमाम डिपॉजिट स्लिप्स में सेम ही रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह से डेट होगी, अकाउंट नंबर हो गया, टाइटल ऑफ अकाउंट हो गया, तमाम चीज़ें सेम टू सेम ही होती हैं। नेशनल बैंक में फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है तो आप नेशनल बैंक जाएंगे, अगर आपका UBL में अकाउंट है तो आप UBL में जाएंगे, अगर आपका HBL में अकाउंट है तो आप HBL जाएंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे आप चले जाते हैं और वहाँ पे आपने डिपॉजिट स्लिप ले ली, आपने इसको फिल करना स्टार्ट करना है डेट से। यहाँ पर आपने डेट डाल दी, छब्बीस जून 2023, ये दो परतें आपको मिली, एक कार्बन कॉपी आपके लिए और एक बैंक के लिए, इसमें आपने डेट डाली। डेट डालने के बाद आपने लिख देना है उस पर ब्रांच कोड, ब्रांच कोड जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का कोड आपने लिख देना है जो आपके चेक के ऊपर होता है, जो आपको चेकबुक बैंक ने जारी की होती है, 4 डिजिट का ब्रांच कोड 0300 मैंने ब्रांच कोड लिख दिया। उसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट आ जाता है, ये जो खाना है ये होता है तमाम बैंक्स में टाइटल ऑफ अकाउंट के लिए, ऊपर नीचे हो सकता है, साइड पे हो सकता है, तो आपने उसमें टाइटल ऑफ अकाउंट जहाँ पे भी लिखा हो या कस्टमर नेम जहाँ पे लिखा हो आपने वहाँ पे लिखना होता है अपने अकाउंट वाला नेम। जिस तरह से मेरे केस में मिस्टर अहमद के अकाउंट में जमा होना है चेक तो मैंने मिस्टर अहमद लिखा। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर तमाम बैंक्स रिक्वायर्ड करते हैं क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है तो आपने अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होता है। अकाउंट नंबर के तमाम बैंक्स के IBAN जो होते हैं वो 24 डिजिट्स के होते हैं, उसके आखिरी 10 डिजिट अगर आप लिख देंगे या 16 डिजिट आप अगर लिख देते हैं तो आपका चेक क्लियर हो जाता है, आखिरी 16 अंक से या आखिरी 10 इंच से। मेरे केस में अगर मैं आपको यहाँ पर 10 इंच से लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना लिख दिया। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आ जाता है यहाँ पे खाना बैंक का कि जिस बैंक का आप चेक जमा करवा रहे हैं, जो आपके पास चेक है ये किस बैंक का, मेरे केस में NBP का है तो आपने NBP लिख दिया। जिस भी बैंक का चेक हो उसका बैंक का नेम यहाँ पे कोने पे प्रिंटेड होता है, तमाम बैंक्स के
चेक के कोने पे उसका बैंक का नेम प्रिंटेड होता है। मेरे कोने में ये यहाँ पे चेक पे कोने पे जो लिखा हुआ वो NBP है, तो NBP का चेक हो गया। उसके बाद आ जाता है चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर, पेमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। मेरे पास चेक नंबर है तो इस कोने में ये चेक की जो ये वाली साइड होती है डेट के ऊपर हमेशा चेक नंबर लिखा होता है, तो मैंने यहाँ पे चेक नंबर इसका पूरे का पूरा लिख देना है 218-34-3600। चेक नंबर लिख दिया। इसके बाद आती है अमाउंट। अमाउंट मैंने यहाँ पे 1 लाख का चेक है तो 1 लाख मैंने लिख दिया। ये जो लाइंस मनी होती हैं, ये लाइन बेसिकली होती हैं 1000 को अलग करने के लिए। एक लाइन में 3 हिंसे आने होते हैं, जिस तरह से 3 जीरो इस लाइन के अंदर आएंगे उसके बाद अगले 3 हिंसे इधर चले जाएंगे। ये बेसिकली अमाउंट को क्लियर लिखने के लिए होते हैं, आपने इस तरह से लिखना होता है। और इधर आपने टोटल अमाउंट इन वर्ड्स लिख देनी है। अच्छा, टोटल अमाउंट वर्ड्स लिखने का मतलब यहाँ पे ये है, टोटल अमाउंट लिखने का ये है कि आप एक से ज़्यादा चेक अगर आपको सेम नेम से मिले हैं तो आप वो भी जमा करवा सकते हैं, अगर सेम बैंक के हैं तो। अगर डिफरेंट बैंक के तो कोशिश करें कि डिफरेंट डिपॉजिट स्लिप्स जो है आप फिल करें, हो सकता है कि उनमें से कोई चेक रिटर्न हो सकता है तो उसमें से डिपॉजिट स्लिप को फिर चेंज करना मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास सेम बैंक के सेम टाइटल से अकाउंट है तो आप इस पे मैक्सिमम 4 से 5 चेक भी ऐड करके लिख सकते हैं, और टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे जमा करनी है और उसके अमाउंट इन वर्ड्स आपने लिख देनी है 100,000। ओनली ठीक है, यहाँ पे मेरी अमाउंट खत्म हो गई। उसके बाद बारी आ जाती है कस्टमर डिपॉजिटर डिटेल की। अच्छा, डिपॉजिटर जिस बंदे का चेक है वो खुद भी हो सकता है और वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में भी चेक भेज सकता है। आप किसी के हाथ में भी चेक भेजेंगे तो आपका चेक क्लियर हो जाता है। यहाँ पे अब डिटेल उस बंदे की आएगी जो बंदा काउंटर पे चेक जमा करवाने आया है बैंक में। ये कोई भी बंदा है, उसका नेम आ जाएगा, उसका CNIC नंबर, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मांगा होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और वो डिपॉजिटर जो है वो अपने साइन यहाँ पे कर देगा, स्लिप आपकी कंप्लीट हो गई। जी हाँ दोस्तों, क्रॉस चेक जमा करवाने के लिए आपको इस तरह की स्लिप तमाम बैंक से जारी करते हैं। उस बैंक में जाके आपने डिपॉजिट स्लिप पे डेट लिखनी होती है, ब्रांच कोड जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, उसके बाद आपने टाइटल लिखना होता है, टाइटल हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, ये वो होता है जिसमें पैसे जमा होने होते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर की बारी। अकाउंट नंबर के आप 16 डिजिट लिख सकते हैं, 10 डिजिट लिख सकते हैं जो आपके अकाउंट के होते हैं। कुछ बैंक्स में पुराने अकाउंट अभी चल रहे हैं तो आप वो भी लिखेंगे तो वो ब्रांच आपका अकाउंट क्लियर कर देगी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन लोकली ब्रांच में आपका अकाउंट पुराना भी चल जाता है। NBP जिस बैंक का चेक है इसकी पहचान जहाँ से आपने कर लेनी है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको इस कोने से मिलता है, आपने लिख दिया। अमाउंट आपने चेक ही लिख दी, इससे ज़्यादा चेक अगर आपने जमा कराने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आपने अमाउंट इन फिगर एंड अमाउंट इन वर्ड्स आपने सेम लिख के कस्टमर डिपॉजिटर डिटेल लिखी, साइन की, और आपका चेक जो है अब जमा होने के लिए रेडी है। ये आपने बैंक के अमले को दे देना है। और आपके एक अकाउंट में अगर सेम बैंक है तो एक ही दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर चेक भी नेशनल बैंक है और मेरा अकाउंट भी नेशनल बैंक में है तो एक दिन में आ जाएगी पेमेंट। अगर चेक आपका किसी दूसरे बैंक का है, अकाउंट आपका नेशनल बैंक में है, डिफरेंट दोनों सिनेरियो हैं, तो उसमें क्लियरिंग में चेक जाएगा जो जिसमें 1 से 2 वर्किंग डे लग जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, क्लियरिंग के डिफरेंट टाइम्स हैं उस वजह से। तो दोस्तों ओवरऑल ये था प्रोसेस क्रॉस चेक को जमा करवाने का, डिपॉजिट स्लिप कैसे फिल करते हैं और क्रॉस चेक क्या होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके यकीनी तौर पे काम की है, आपके या आपके किसी दोस्त को इससे हेल्प मिल सकती है। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।